हाँ जी नमस्कार जी, सत श्री अकाल। DSNI डायरैक्टर करोन इमीग्रेसन। जिदा तुम्हें सारे पता है कि करोन इमीग्रेसन की टीम देश और विदेश के जाके तो हर वार एक नवी जी है जानकारी एकत्र करके लेके आते हैं, जो कि बाहर जाने के इच्छुक है, बाहर जाने की भावना रखते हैं। उन्होंने लिए साड़ी टीम लगातार देशों विदेशों के जाके रिसर्च इकट्ठी करती है। जो भी साढ़े को रिसर्च होंगी है वो असं इस मंच से आगे तेजे शेयर करते हैं। सो अज का जोड़ा साडा टॉपिक है, अज असी गलबात करांगे टूरिस्ट वीज़ा के बारे, हाउ टू ऑबटेन टूरिस्ट वीज़ा फॉर यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ है कि ने पहले आप उन्होंने बारे गल करांगे। यूरोपियन एक शंगन एरिया हैगा, यूरोपियन जोन हैगा, जिद 27 कंट्रिया ने एक संघ बनाया। एक कंट्री का वीज़ा लेने के नाल 27 कंट्रियाँ एक्सैस कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, वीज़ा फ्री घूम फिर सकते हो, देख सकते हो, इनकलूडिंग जर्मन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और अदर यूरोपियन कंट्रीज़, पोलैंड, लुथानिया, हंगरी, माल्टा, चैक रिपब्लिक। इन्हों असी एक संघ कहने, इन्हों एक जॉइंट एग्रीमेंट्स होए ने। किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने इन 27 कंट्रियों के वीज़ा फ्री एक्सैस किया जा सकता है, पूरी कंट्रियों एक्सप्लोर किया जा सकता है बिना वीज़े तो। सो उन्होंने बारे आप गलबात करा, इन टूरिस्ट वीज़ा किस तरीके ऑबटेन किया जा सकता है, किड़े किड़े जिहड़े मैंडेटरी डाकूमेंट्स ने, इंपोर्टेंट डाकूमेंट्स ने जिहड़े जरूरी होने चाहिए ने। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता उस तो बाद की होएगा, अगर तुसी क्वालीफाई नहीं करते इन कंट्रियों के वीज़ा दे लई ते तुहानू की प्रिकॉशनस वरतने चाहिए ने, या अपनी प्रोफाइल नू इन कंट्रियों के एलिजिबल बनाने के लिए की करना चाहिए। सो सब तो पहला डिस्कशनस करांगे कि हाउ टू ऑबटेन वीज़ा, जिहड़ा वीज़ा हैगा टूरिस्ट वीज़ा शंगन का किस तरह प्राप्त किया जा सकता, विच इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रैवल हिस्टरी, कि जो भी असी किसी शंगन कंट्री का वीज़ा प्रोसीड कर रहे हैं। सो जो इंपोर्टेंट पार्ट है कि तुसी रिप्रजेंट करना अंबैसी नू ये कि तुसी जा रहे हो, ट्रैवल करके तुसी टाइमली वापस आओगे, या तुसी ट्रैवल कर रहे हो प्रीवियसली, इस तो पहला कुछ कंट्रियों के तुसी ट्रैवल कर चुके हो वक् वक् देशों के, दैट्स कॉल्ड ट्रैवल हिस्टरी। जे तुहाडा ट्रैवल हिस्टरी पार्ट अच्छा हैगा, प्रीवियसली तुसी कुछ कंट्रीज के ट्रैवल लो, दे मे कंसीडर पॉजिटिवली योर प्रोफाइल। सैकेंडली जिहड़ा इंपोर्टेंट चैक करने वाला हैगा तुहाडे फाइनैंशियल सरकमसेंसिस, के जिहड़े फाइनैंशियल डाकूमेंट्स ने या फाइनैंशियल प्रूफ हैगे ने वो किस तरह के हैगे ने, की रिप्रजेंट करते हैं, की तुहानू जिहड़ी सैलरी हैगी अकाउंट दे विच आ रही हैगी है, की तुसी अपना बिजनेस करते हो, जे तुहाडा बिजनेस है की तुहाडा बिजनेस रजिस्टर्ड है, की तुसी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो। सो इस तरह के एविडेंस, फाइनैंशियल सरकमसेंसिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट इन ऑर्डर टू अपलाई शेनगन टूरिस्ट वीज़ा, ईवन इन ऑर्डर टू गैट शेनगन टूरिस्ट वीज़ा। आल्सो इंपोर्टेंट रीज़न, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, वाई यू वॉन्ट टू गो टू फ्रांस, वाई यू वॉन्ट टू गो टू जर्मन, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड ट्रैवल प्लैन। अगर तुम एज ए टूरिस्ट जा रहे हो, की तुहाडे कोल ट्रैवल प्लैन हैगा, किस तरह का ट्रैवल प्लैन तुम तैयार किया हैगा, किहड़े किहड़े डेस्टिनेशन जिहड़े तुम चूज़ किए ने देखने वास्ते, शेनगन एरिया दे विच किहड़ियां कंट्रियां दे विच तुम जाना हैगा टूरिस्ट वीज़े तो हट के, जे तुम बिजनेस वीज़ा पर जा रहे हो, किहड़ी ऑर्गनाइजेशन हैगी जिन्होंने तुहानू इनवाइट किया, बिजनेस मीटिंग जिहड़ी हैगी किस तरह की हैगी है, किन्ने दिन की है, उहदे विच जाके तुहाडी जिहड़ी एक्टिविटीज़ की हैगियां ने, तुहाडा रोल की है एज ए मैनेजर, हो की तुसी उत्थे एक्टिविटी करनी हैगी है, परफॉर्म की करनी है, दे मे वेरीफाई दैर रीज़न के तुसी उत्थे क्यों जा रहे हो बिजनेस वीज़ा ते। दैन इस तो इलावा फिर फैमिली विजिट, फैमिली विजिट दे विच कि तुहाडा मिलना फैमिली नू किन्ना कि इंपोर्टेंट हैगा, तुहाडे रिलेशन की हैगे ने जिहड़े तुसी फैमिली विजिट या प्राइवेट विजिट ते जा रहे हो, और तुहाडा रोल की हैगा, परपज़ की हैगा उत्थे जाके करना की है, कि फैमिली दे घर दे विच कोई फंक्शन हैगा, कोई सीरीयस इशू हैगा, कोई मैडिकल इशू हैगा, या जर्नल विजिट हैगा तुहाडा, वो एक रीज़न, जस्टिफाइबल रीज़न होना चाहिए जे तुसी फैमिली विजिट ते उत्थे जा रहे हो। इस तरह के कई जिहड़े परपज़ ऑफ ट्रैवल हैगे ने अंबैसी डीपली चैक करती है। अगर तुहाडा जस्टिफिकेशन लगती है अंबैसी नूं, क्लीयर हुंदा कि तुहाडा जिहड़ा परपज़ ऑफ ट्रैवल है बिल्कुल जस्टिफाइबल है, फिर वीज़ा मिलने च कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर असी उन्हूं कवरिंग लैटर के जरिए अंबैसी नूं इह एक्सप्लेन नहीं करते, या एक्सप्लेन करने दे विच असमर्थ हो जाने हैं, फिर साडा वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता, क्योंकि असी उन्हूं परपज़ ऑफ जिहड़ा ट्रैवल हैगा सैटिस्फाइड नहीं कर पाए अंबैसी नूं। जिहड़े कॉमन रीज़न हुंदे ने वीज़ा रिफ्यूज़ल दे, ट्रैवल हिस्टरी, अंबैसी एक ऑब्जरवेशन लगा के भेजती ऑलवेज फ्रांस, जर्मन, कितने भी, कि तुसीं ट्रैवल नहीं किए हो, तुसी फर्स्टली साडी तुहाडा जिहड़ा परपज़ ऑफ ट्रैवल है वो सानू जस्टिफाइबल नहीं लग रहा कि तुसी उत्थे जाके शायद वापस ना हो। तुहाडियां जिहड़ियां अपनी कंट्री दे विच टाइज हैगियां ने इनकम दियां, या फैमिली लाइबिलिटीज़ एंड रिस्पोंसिबिलिटीज़ दियां, वो स्ट्रोंग नहीं हैगियां, की तुसी मैरिड हो, की तुसी बहुत ज़्यादा यंग हो, ये सारा
ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਨਦਰ ਹੈਂਡ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਸ਼ਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਅਵੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਟ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 10 ਜਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੰਬੈਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ, ਸੋ ਯੂ ਆਲਸੋ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਗੀ? ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਮੇਰੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੇਰੇ ਇਨਕਮ ਪਰੂਫ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲ, ਮੈਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਬਹੁਤੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 100% ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲੀਗਲ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼, ਟਾਈਜ਼, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਵਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ? ਸੋ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਟੇਟ ਵੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਜੈਨੂਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਦੁਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਓਨਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 100% ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਕੋਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈਗਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ। ਐਵਰੀ ਮੰਥ 30-40,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 95% ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਜੀਏਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰੋਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 100% ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6-8 ਮਹੀਨੇ, 10 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਰਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਜਰਮਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਟੀਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਟ ਇਸ ਸੋ ਲੌਂਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਵ ਅਰਨਡ, ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ 'ਚ ਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੋਰਟ ਕਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੰਬੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
एक ओपीनियन नहीं, अज मैं इतने बोल रहा, मेरी जी वक्री टीम हैगी है, 10 लोगों की टीम बैठ के डिस्कशन करती है, साढ़े मोहाली ऑफिस के साढ़े जलंधर ऑफिस के मोगे ऑफिस के टीम बैठ के डिस्कशन करती है कि इस केस के शॉर्टकमिंग्स है, ये शॉर्टकमिंग असं अगर दूर करा तो वीज़ा मिलेगा, अगर ये शॉर्टकमिंग रहनगियां वीज़े का रिस्क इनवॉल्व हैगा। सो स्टिल वी आर नॉट गिविंग द गरंटी, क्योंकि किसी तरह की असं गरंटी या आश्वासन दे के झांसा दे के नहीं, लेकिन साड़ी ऑर्गनाइजेशन को इफ़ यू कम यू विल गैट 100%, आई एम चैलेंजिंग कि यू विल गैट 100% ट्रूथ एंड करैक्ट इनफॉर्मेशन विल डिलीवरी। साडा जी असी अपनी टीम में जी लीड करते हैं सिखाने है, सिर्फ ये सिखाने असी कि तुसी एग्जैक्ट इनफॉर्मेशन देनी है, केस रजिस्टर्ड नहीं करना। जे असी एग्जैक्ट और सही जानकारी दें, इट माइंड बी सम कुछ लोग नहीं समझ पाते उस चीज़ को, जाके कि रजिस्टर्ड होंगे ने, लेकिन लेटर स्टेज से दे विल कम टू अस। बहुत सारे साड़ी हिस्टरी के इस तरह के एक्सपीरियंसिस होए ने, असी डिनाई किया एप्लीकेशन कि सर ताड़ा वीज़ा नहीं लग सकता, सिंस यू आर नॉट एलिजिबल, सिंस योर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट कंप्लीट, इस तरह के बहुत सारे रीज़न ने, ड्यू टू दिस रीज़न यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट कैपेबल टू अपलाई दिस वीज़ा, ईवन इफ यू अपलाई यू विल गैट अ रिफ्यूज़ल। लेकिन उही साडे क्लाइंट ने जाके किसी थर्ड कंसल्टेंट को वीज़ा अपलाई किया या खुद ही वीज़ा अपलाई प्रोसीड कर दिता, ही विल गैट रिफ्यूज़ल आफ्टर 3-4 months ही कम टू अस। सो दिस इज़ अवर एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। सो साडी टीम के उपर या मैनू अपने उपर ये कॉन्फिडेंट है कि विल अपनी ऑर्गनाइजेशन से कॉन्फिडेंट है कि विल गिव यू द करैक्ट एंड राइट इनफॉर्मेशन कि तुसी एलिजिबल हो या नहीं हो। वख वख लोकेशन से साडे ऑफिस है पूरे पंजाब भर के, किसी भी ऑफिस के हुणे राइट नो टैलीफोन करके पुछो और तुहानू ये नहीं कहणगे कि तुसी आजो 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 असी तुहाडा केस कर दांगे वीज़ा गरंटी, वो तुहाडे तो सवालात पुछणगे कि तुहाडी एज की है, तुहाडी क्वालिफिकेशनस की ने, तुसी कित्थे ट्रैवल किया है, फिर तुहानू दसणगे कि सर तुसी एंड रिजल्ट जिहड़ा है, ये तो सारे पुछदे ने, लेकिन एंड रिजल्ट वो तुहानू क्वेश्चन 80% अगर तुसी नहीं एलिजिबल हैगे, सारे ऑफिस वाले सेम रिप्लाई देणगे कि सर एलिजिबल नहीं हैगे तुसी। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड वी आर वर्किंग ऑन ट्रुथ, सिर्फ सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से जी करॉन इमीग्रेशन की टीम हैगी वर्क करती है, करैक्ट इनफॉर्मेशन दिंदी है। सो बहुत सारे क्लाइंट्स जोड़े कि यूरोपियन सैक्टर के जाना चाहते हैं, रीसैटलमेंट लेना चाहते हैं, उस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स है कि अगर तुहाडे कोल यूरोप का कोई टूरिस्ट वीज़ा हैगा, तुसी साडे कोल आते हो, यू वॉन्ट टू बिकम यूरोपियन फैमिली मैंबर, यू वॉन्ट टू बिकम यूरोपियन रेजिडेंट, वी हैव सम प्रोग्राम पुर्तगाल, स्पेन, पोलैंड, इन कंट्रियों के जाके वीज़ा स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, उत्थे दा रेजिडेंस प्राप्त कर सकते हो, फैमिली दे नाल भी जा सकते हो, फैमिली तो बिना भी जाके उत्थे दा जिहड़े लाइफ दा हैगा स्टाइल ले सकते हो। इस तो इलावा जिहड़े नहीं क्वालीफाई करते, जिहड़े नहीं एलिजिबल हैगे, उहनां लई मैं जिस तरह ऑप्शनस दित्ते ने कि अगर इमीडिएटली मूवमेंट्स लेना चाहते हैं, यूक्रेन एक इस तरह डेस्टिनेशन हैगा जिथे सानू कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, यूक्रेन गवर्नमेंट ने, यूक्रेन दी एम्बेसी ने फॉर द इंडियन राइट नाउ बड़ी लीनियंट कर देती है पॉलिसी वीज़ा की, बड़ी ईजी सुखाली कर देती है, जिदे नाल यू विल ऑबटेन द वीज़ा वेरी ईजली एंड क्विकली। बहुत सारे इस तरह के केसिज है, बहुत सारे इस तरह दोफाइल्स है जिड़िया स्टेट वे यूरोप ले शनगन टूरिस्ट वीज़ा ले नहीं क्वालीफाई कर दी, वो साढ़े नाल आन, साड़ी टीम नाल राबता कायम कर, ताकि असी प्रोफाइल नूं प्रॉपर तरीके नाल जजमेंट कर सकीए, प्रॉपर करैक्टली जानकारी ले सकीए। सो मेरा परसनली एक्सपीरियंस है, आई हैव बिन लॉट ऑफ टाइम इन शनगन एरिया, बहुत सारी बार मैं यूरोप गया, बहुत सारी बार मैं खुद का वीज़ा अपलाई किया। सो जो मैं अपना वीज़ा अपलाई करता तो मैं बड़ा ध्यान रखता कि मैंने कि डॉक्यूमेंट जोड़े है अपलाई करने समय लगाने चाहिए ने, इस तरह मेरी जो टीम हैगी जो मैं है जोड़े साडे क्लाइंट्स है उन्होंने वीज़ा से किस तरीके जो अपलाई करना, किस तरीके जो प्रोसीड करना, ये बहुत ही परसनल लैवल पर जाके असी केस नूं रिसर्च करते हैं, डीपली उहदे उपर सर्वे एनालाइज करते हैं, फिर उन्होंने एप्लीकेशन फरदर प्रोसीड करते हैं। सो अगर तुसी यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हो, ऑब्टेन करना चाहते हो, तुसी एलिजिबल हो या नहीं हो, ये नहीं एलिजिबल तो की करना चाहिए, जे तुसी इमीडिएटली मूव होना चाहते हो तो की करना चाहिए, इन सारिया जानकारियां दे लई पंजाब भर के साडे ऑफिस ने मोहाली दे विच, मोगे दे विच, स्पैशल रिक्वेस्ट ते मैं खुद प्रेजेंट हुंदा वीक दे विच 1 या 2 बार, तुसी आके मेरे नाल पर्सनल मोगे और मोहाली दे विच राबता कायम कर सकते हो, स्क्रीन ते नंबर चल रहे ने, इन्हां नंबरां ते साडे जिहड़े टैलीकॉलर ऑपरेटर्स हैगे ने उन्हां नाल राबता कायम करो ताकि वो तुहानू अपॉइंटमेंट लेके मेरे नाल रूबरू करा सकन और मैं जो करैक्ट और अच्छी जिहड़ी तुहाडी प्रोफाइल दे बारे जाण के तुहानू करैक्ट और सही दुरुस्त जानकारियां दे सकां। सो जानकारियां होर बहुत ने, काफ़ी सारे सवालात ने, सो उन्हां सारे सवालों का जवाब इस मंच ते टाइम दी शॉर्टेज करके असी पूरा नहीं कर सकते,
लेकिन लगातार साढ़े जिहड़े इस टाइम दे विच प्रोग्राम आते हैं तुहाडे जरिए नैक्सट एपीसोड के जरिए असं नवी जानकारी लेके आवांगे। इस तों इलावा साडा एक ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है उन्हूं सबसक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब पर जाके विजिट करके क्राउन इमीग्रेशन दे साडा फेसबुक पेज लिंक सारा सोशल मीडिया लिंकडइन गूगल प्लस सारे पेजां दे अवेलेबल हैगे, उत्थे भी ये वीडियो टैलीकास्ट हुंदे रहिंदे ने लगातार, उन्हां ते जाके तुसीं फर्दर जानकारी ले सकते हो और असीं कोशिश करदे हां कि तुहाडे लई एक नवां और बेहतरीन प्रोग्राम लेके अगली बार हाजिर होइए। सो उदों तक दे लई मैनूं यानी कि DSN दी इजाजत, थैंक यू, धन्यवाद।